झाबुआ जिले के काकनवानी थाने के ग्राम मदरानी निवासी कमलेश पांचाल की पुत्री 15 दिन पूर्व किसी अन्य युवक के साथ घर से बिना बताए चली गई थी, जिसकी शिकायत लड़की के माता पिता द्वारा मदरानी चौकी में दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा लड़का लड़की के नंबरों की लोकेशन के आधार पर तलाश की गई। लड़का लड़की की तलाश में जुटी पुलिस को 10 जुलाई को इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में लड़का लड़की दोनों को पकड़कर पुलिस की मदद से बयान के लिए काकनवानी थाने लाया गया। लड़की के थाने आने की सूचना माता पिता और परिजनों को मिली, जिसके बाद लड़की के परिजन लड़की से मिलने काकनवानी थाने पहुंचे थे। काकनवानी पुलिस थाना प्रभारी AK त्रिवेदी व पुलिस स्टाफ द्वारा बर्बरता पूर्वक बिना कुछ सोचे विचारे लड़की के परिजनों व माता पिता पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिससे युवती की माता और अन्य महिलाओं को गंभीर चोट आई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए लड़की के परिजनों के खिलाफ ही धारा 353, 332, 323, 147, 148, 506 शासकीय कार्य में बाधा अन्य संगीन धाराओं का मामला 20 लोगों के खिलाफ दर्ज किया। एक और तो जिला पुलिस कप्तान विनीत जैन महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चला रही है, वहीं काकनवानी थाने के थाना प्रभारी AK त्रिवेदी साहब महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कप्तान किस तरह से काकनवानी थाना प्रभारी AK त्रिवेदी पर कार्यवाही करते हैं, या फिर न्याय मांगने आई महिलाओं को पुलिस की गलत नीति का शिकार होना पड़ेगा। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। देखो, घर में काम कर रही थी मैं, अब मैं निकली इधर सब मारकुट हो रही थी, बाहर खड़े उनको भी घर में आके सबको मारा, और के फिर मेरे को धमकी दे के गया कि यहाँ से सब उठा लेना, मोटरसाइकिलें पड़ी थी गाड़ियों को सब पटक गया कि यहाँ कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, ऐसी अच्छा, धमकी दे के गया। आपके साथ किसने मारपीट की? त्याई ने मारा, ने सबको मार रहे यहाँ सभी थे। आपको कहाँ कहाँ पे लगी? अब मेरे को ये यहाँ लगी, हाथ पे लगी, भाई को, मेरे भाई को भी कमर में लगी, भतीजे को भी लगी, सबको लगी। तो हमारी दीदी 15 दिन पहले हमें बिना बताए घर से चली गई थी, और हमें पता चला तो पुलिस वाले लेके आए उसे। हम मिलने के लिए गए थे, मेरे मम्मी पापा और हम सभी लोग, हमें मिलने भी नहीं दिया, और उसको हम उसको उतारने जा रहे थे कि हम उससे मिल ले करके, नहीं तो पुलिस वालों ने हमें मिलने नहीं दिया और लाठी चार्ज कर दी, सबको बुरी तरह से मारा भी सही, लगी भी सही सबको, और मेरे भैया को और मेरे पापा को भी बहुत लगी, उनको तो वो गिर गए, वो पापा तो गाड़ी में भी आ जाते और छोटे वो बड़े वाले भैया को वो भी गाड़ी में आ जाते पर वो बच गए, और वो TI ने तो बुरी तरह से सबको पीटा, और वो यूँ भी बोला कि तुम्हें तो देख लूंगा। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ लगी है? मेरे को तो यहाँ पीछे से लगी। अच्छा, आप कौन लगती लड़की की? उसकी बड़ी सिस्टर हूँ मैं। अच्छा, और कितना मारा पुलिस ने सबको? कितना मारा होगा? बहुत मारा उन्होंने तो, और सबको धमकी भी दी उन्होंने कि तुम्हें तो हम देख लेंगे, क्या कर लोगे तुम हमारा यहाँ करके, और देखेंगे। फिर उन्होंने पुलिस फौज बुला ली, हम तो हमारे सामने बुआ के घर बैठे थे, और जैसे पुलिस फौज आई वैसे सबके ऊपर लाठी चार्ज करी, जैसे बने वैसे सबको पकड़ लिया, दो स्टूडेंट है उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको भी पकड़ लिया, और वो अभी भी अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही, और उनके परिवार वाले हमको धमकी दे रहे कि उनको नहीं छोड़ा, हम तुम्हारे घर पे आके तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करके धमकी भी दे रहे। क्या नाम है? पुलिस के द्वारा ऐसी कोई भी बर्बरता नहीं की गई है। दिनांक 10 तारीख की बात है, कस्बा काकनवानी के एक वयस्क बालिका गुम हुई थी, उसके परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। रिपोर्ट लिखाने के पश्चात 10 तारीख को लड़की को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब के उपरांत तो पुलिस ने उसके बयान लिए, बयान लेने के बाद में उसको चूँकि HM कोर्ट से उसका सर्च वारंट था, तो HM कोर्ट में उसको पेश किया। HM कोर्ट में उसके द्वारा अपने परिजनों के साथ न जाने की बात कही गई, जहाँ से HM साहब के द्वारा उन्हें लड़की को जहाँ जाना चाहे उसको स्वतंत्र करने के लिए उसको आदेशित किया गया था। इसी को लेकर जो है लड़की को लेकर जब वापस काकनवानी थाने पहुँचे, थाना काकनवानी का फोर्स महिला आरक्षक वगैरह लेकर, उसी समय इनके परिजन, लड़की के जो परिजन हैं रिश्तेदार, पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हुए, साथ ही कुछ महिला पुरुष वहाँ पर काकनवानी थाना परिसर में पहले से मौजूद थे, जैसे ही गाड़ी थाना काकनवानी परिसर में पहुँची वैसे ही इन लोगों ने लड़की को उतारते समय पुलिस से छीनकर उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, और उसको छीनकर मारपीट की गई। पुलिस के द्वारा जो है महिला आरक्षक और इनके द्वारा उस लड़की को इनके परिजनों से बचाया गया, और बचाने के बाद जब थाना परिसर में अंदर थाने के अंदर ले जाकर उसको रखा गया, इसी को लेकर जो है परिजन फिर से उसके साथ मारपीट करने के लिए थाने में घुसने का प्रयास करने लगे। उसी को रोकने के लिए थाना